मेरा नाम है तुलिका सिंह, मैं 37 साल की हूँ। मेरा करेंट वेट है 70 किलो, मेरा प्रीवियस वेट था 110 किलो। मैं एक बच्चे की माँ हूँ जिसकी उम्र है 10 साल। मैं पेशे से राइटर और काउंसलर हूँ। खैर, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। एक्चुअली मैं बचपन से ही थोड़ी ना चौड़ी सी और हेल्दी टाइप का बच्चा थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट फिट थी। लेकिन बाकी लड़कियों के साथ में रहूँ तो ऐसा लगता था कि मैं मोटी हूँ। बाद में रियलाइज़ हुआ मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। बट शादी के बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद मेरे वेट बढ़ने की जो रफ्तार थी वो फिर रुकी ही नहीं। और हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। मेरे पीरियड्स एकदम से डाउन हो चुके थे। मुझे पीरियड्स 2 दिन 3 दिन आए, फिर आए ना। फिर मैंने अपने सारे टेस्ट कराए तो पता चला हार्मोनल प्रॉब्लम्स ही। मेडिसिंस चले, एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मुझे मेडिसिन सूट नहीं करती हैं इन टर्म्स ऑफ बॉडी वेट। वो मैं तुरंत स्वेल अप होने लगी थी, और शायद यही सारे रीजंस थे जो कि मेरा वेट पुट ऑन होता चला गया। और फिर मैंने शुरुआत की, एक दिन अपने आप को अच्छे से खिलाया पिलाया। मुझे याद है आज भी वो तारीख 10 जून था। देन आई मेक अ प्लान फॉर मी। मैंने अपनी कैलोरी को कट करना शुरू किया। सबसे पहले उसको नोट डाउन किया, पूरे एक वीक तक मैंने नोट डाउन किया। उसके दौरान मैं साथ में वॉक एंड रनिंग शुरू कर चुकी थी। मैं ये देखना चाहती थी एग्जैक्टली मैं खाती क्या हूँ, एंड आई वॉज सरप्राइज। बहुत सारा खाना, बहुत सारी कैलोरी, एंड बिलीव मी वो हेल्दी बिल्कुल नहीं था। वो सब कुछ बच्चे वाला, पति का छूटा, बच्चे का छूटा, किचन में बचा इनटेक करना ही मेरे लिए जहर था। देन आई स्टार्टेड कटिंग। मैंने सब कट किया। अपनी डाइट में मैंने सबसे पहले फ्रूट्स को शामिल किया, सैलड्स को शामिल किया, और सुपर सीड्स जो आजकल बहुत ज़्यादा जिनकी मार्केटिंग है एक्चुअली, मैंने उन सारे सुपर सीड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड किया। बाहर के सारे पैक्ड फूड, स्पेशली अगर वो डाइटरी भी हैं तो भी मैं उनको नहीं लेती हूँ। आई प्रिफर मैं चीनी वाला चाय पी लूँ रादर देन मैं शुगर फ्री यूज़ करूँ। तो आई नेवर एवर यूज़ एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल डाइटरी फूड या शुगर या किसी भी तरीके का हर्बल पाउडर। डाइट के साथ में मैंने वॉक शुरू किया था ग्रेजुअली। पहले 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ऐसे करके 11 किलोमीटर तक की वॉक एंड रनिंग मिक्स करके मैंने करना शुरू किया। बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट जब 2 महीने में मेरा ऑलमोस्ट 13 किलो वेट लूज हो चुका था सिर्फ इसकी वजह से, देन आई रियलाइज कि वाटर वेट मेरा बहुत ज़्यादा था जो कि बहुत जल्दी चला गया। उसके बाद मेरा वेट स्टक हो चुका था, नहीं जा रहा था। देन माई हस्बैंड सजेस्ट कि ज्वाइन द जिम, एंड आई स्टार्टेड माई जिम जर्नी, जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जिम में जाने के बाद मैंने सारा फोकस कार्डियो पे किया था, अलग अलग टाइप के कार्डियो, टफ कार्डियो। मुझे फिर वहाँ मजा आने लगा। देन आफ्टर 3 or 4 months आई स्टार्टेड माई वेट ट्रेनिंग। देन आई ज्वाइन सम योगा पोस्चर्स, एंड अपनी स्ट्रेचिंग के लिए, अपने आपको फिट रखने के लिए, टोन अप करने के लिए मैं योगा करने लगी। मैं दिन की शुरुआत करती हूँ लुकवॉर्म वाटर के साथ लेमन और कोई भी सुपर सीड लाइक धनिया, मेथी, फ्लैक्स सीड, एनीथिंग। उसके आधे घंटे के बाद मैं 4 soaked almonds लेती हूँ। उसके बाद वर्कआउट अगर जा रही हूँ करने के लिए, जिम जा रही हूँ, तो ब्लैक कॉफ़ी, अदरवाइज टेक 1 hour ब्रेक, और फिर अपना एक ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट इज मच बी हैवी लाइक चिल्ला, बेसन का या उपमा, एनीथिंग विथ 1 apple एंड ग्रीन टी। देन आफ्टर 2 hours अगेन आई टेक सम मिक्स फ्रूट्स, 1 is seasonal एंड द 2nd is apple। उसके 2 घंटे के बाद लंच लेती हूँ। लंच में एनी टाइम एनी काइंड ऑफ दाल ज़रूर होती है, दही, सैलेड, घी और ओट की रोटी या तो ब्राउन राइस, साथ में अच्छा खासा सैलेड। उसके आधे घंटे के बाद ग्रीन टी लेती हूँ। इवनिंग स्नैक्स में मैं हमेशा कुछ ना कुछ रोस्टेड लेती हूँ, लाइक रोस्टेड चना, रोस्टेड मखाना या रोस्टेड पीनट विद ब्लैक कॉफ़ी और रेगुलर टी। डिनर में बहुत जल्दी करती हूँ, तो डिनर में मैं कोशिश करती हूँ लाइटर लूँ, डिनर शुड बी लाइटर। तो कभी मैं ओट मिल्क लेती हूँ विथ सुपर सीड्स एंड एप्पल, समटाइम सूप, समटाइम ओट रोटी एंड ग्रीन वेजिटेबल सब्जी, समटाइम ओनली ग्रीन ग्रिल्ड पनीर, दैट्स इट। बेड टाइम ड्रिंक पे मैं हमेशा सिनेमन वाटर विथ हनी लेती हूँ, समटाइम आई टेक ग्रीन टी अगर वो ऑप्शन नहीं रहा तो। 9 months में 38 kg वेट लूज करना, इट्स नॉट अ जोक। एंड विद इन 2 months आई लूज माई 13 kg वेट, विच इज रिमार्केबल फॉर मी। आफ्टर माई वेट लॉस जर्नी आई रियलाइज अपने आप से प्यार करो। सेल्फ लव इज अ मोर इम्पॉर्टेंट देन
एनीथिंग, मैं क्या पहनूं, कैसे जाऊं कि लोग मुझे जज ना करें। अब एटलीस्ट इतना है कि लोग मुझे जज नहीं करते हैं, लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, लोग मुझे इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और मेरी वजह से मोटिवेट भी होते हैं, तो अच्छा फीलिंग आता है कि यार एटलीस्ट व्हाटएवर आई डिड इट्स जस्ट वाओ।